पहले तो तुम सब्सक्राइब करो, 98% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब इतने हजार लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था। यार मेरे को थोड़ी सी तो मोटिवेशन दो, सब्सक्राइब करो पहले, मैं ये क्लिप पहले लगा दूंगा। क्या बोलूं, मतलब इतनी तगड़ी पावर है और ऊपर से इतना तगड़ा बैलेंस है ना। तो आपको हर राइड पे कम से कम 1000 रुपये का पेट्रोल लगेगा, ठीक है, तो इज नॉट इजी टू मेंटेन, तो भी काफ़ी कुछ चीज़ें लगती हैं। तो देखो हमारा बैलेंस देख लो कितना बचा हुआ है, ये अभी 200 रुपये सुबह हमने ऑटो वाले को दिए जो वीडियो बनाए। Hey guys, welcome back to another vlog or another day। और भाई आज अभी टाइम हो रहा है, अभी 8 बज रहे हैं और आज हम आए हैं, देख लिया होगा वैसे थंबनेल में भाई किस लिए आए हैं, अभी बाइक का व्लॉग बनाने के लिए आए हैं। बेसिकली रूबीकॉन भी खड़ी हुई है वहीं पीछे, अमरजीत भैया के साथ आए हैं, देख सकते हो थोड़ा पीछे से। तो अभी सीन क्या है कि यार, एक तो मैं आज कपड़े ना गलत पहन के आ गया, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे प्रियांशु भाई के यहाँ, मतलब पवार ब्रदर्स के पास, मेरे को लगा कि भैया आज भी ऑफ रोडिंग के लिए बुला रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था और मैं आउटफिट ये पहन के आ गया भाई। हेलो जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ जाओ आपका इंटरव्यू लेते हैं। अपने भाई इंद्रजीत भैया आए हुए हैं आज, तो इनके पास ये बाइक है, पहले आप भैया इंट्रोडक्शन दो। हेलो, मेरा नाम इंद्रजीत राघव है और मेरा यूट्यूब चैनल जो है स्पीडर बाइकर है। अच्छा अच्छा, यूट्यूब चैनल पहले प्रमोट कर दिया, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। और बेसिकली अब आप थोड़ा सा बाइक के बारे में स्पेसिफिकेशन बताओ भाई। मेरे को बाइक के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है सच बताऊं तो, टू बी ऑनेस्ट, काले आ रहे थे तो इसलिए थोड़ी लोकेशन चेंज कर ली। तो हाँ जी, अब बताइए बाइक में आपने क्या क्या काम करा रखा है लाइक। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें अपना ये जो है कार्बन डिप है, ठीक है, अब इस साइड आ जाइए आप, ये स्पूल्स हैं इसको जो इसको उठाने के लिए, ठीक है ठीक है। ये अपना ओरिजिनल एक्सिल का एग्जॉस्ट है, डीकैट करा रखा है इसमें, ठीक है, फुल सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आरएनजी का फोक प्रोटेक्टर है, इसके बाद अपने पास है ये फोक प्रोटेक्टर ये है, और ये फ्रेम स्लाइडर है आरएनजी के, हाँ जी, और ये जो है ये अंदर आप देख सकते हैं रेडिएटर, हाँ रेडिएटर गार्ड है, इसको इसको लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार कंकर वगैरह लग के इसको डैमेज कर देता है, ये आफ्टर मार्केट है, ठीक है। सो ये वाइजर देख सकते हैं ओरिजिनल है, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं ये जो लीवर प्रोटेक्टर है ये लगा हुआ है, ठीक है, ये डोमिनो का अपना ग्रैब जो है ग्रिप के लिए, ग्रिप के लिए, ग्रिपिंग के लिए बहुत, और ये हमारे कूलिंग के लिए लगा हुआ है इसमें, कूलिंग के लिए, हाँ जी, मतलब आपने बाद में लगाया, हाँ, आफ्टर मार्केट है, तो ये ट्यून भी करा रखी है अपने भाई, हाँ जी हाँ जी। कितनी कौन सी स्टेज है? स्टेज 3 ट्यून है ये, हाँ हाँ। और इसके अंदर जो है अपना लॉन्च कंट्रोल अनेबल है। अच्छा, लॉन्च कंट्रोल अनेबल है, वो मतलब पुराने, हाँ, मोस्टली जब कभी भी ड्रैग रेस वगैरह होती है तो उसके लिए काम आता है बहुत ज्यादा, तो इससे व्हीली वगैरह लगती है मैं? नहीं नहीं, व्हीली व्हीली नहीं, एक्चुअली क्या है इसमें क्या है, पावर जो आपके मेन इस पे आता है, बट जब हम इसको अनेबल कर देते हैं तो इसको सिर्फ इसके ऊपर पावर आ जाती है सारी, सिर्फ आपको इसको मेन उठना, अच्छा मतलब थ्रॉटल नहीं करना, थ्रॉटल करना, थ्रॉटल नहीं करने की जरूरत फिर, ठीक है ठीक है। तो और ये मतलब अपनी सिक्सर है, बेस्ट बाइक है इसके सेगमेंट में, इससे बेस्ट कोई भी बाइक नहीं है अभी तो फिलहाल, नहीं है कावासाकी तो खैर अपनी ऑन टॉप ही है पूरा, और पार्ट इसके इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो मैंने इसी वजह से रखा है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू मेंटेन। और क्या सर्विस कॉस्ट वगैरह आती है, अगर जैसे मान लो अगर नॉर्मल टू नॉर्मल देखा जाए तो 10 to 11, 12 मान लीजिए आप, 10 to 11, 12 में मैक्सिमम 10 तक 12 तक 12 हज़ार रुपये सर्विस कॉस्ट आ जाएगी इसकी। और अगर हम बात करें इसकी, जैसे कि आपको कितना टाइम हो गया मतलब अभी चलाते हुए? मुझे ज़्यादा नहीं, वैसे वन ईयर हो चुका है इसको, वन ईयर हो, तो कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड्स में? हाँ लॉन्ग राइड्स के लिए है, बट थोड़ा सा बैक में पेन आता है, बट आप यूज हो जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया इसका हो जाता है। मेन क्या होता है एक्चुअली, हमें ना ये नी के ऊपर स्टैंड रखना पड़ता है, इस वजह से कईयों को इस चीज़ का नहीं पता होता। और बाकी अपना ये भी है टैंक पैड जो है, ये मेन काम आता है अगर आपका जैसे बेल्ट वगैरह होती है तो स्क्रैचेज ना आए। बाकी नी गार्ड भी है इसके अंदर। बाकी अब तक आपने इसमें सबसे कौन सी मतलब बड़ी ट्रिप की है इस बाइक पर अब तक? अभी तक हम गए हैं चंडीगढ़, गए इससे चंडीगढ़ गए, वो भी जून जुलाई के मंथ में गए थे, तो गर्मी थी, बट वही है ना
जो जो बाइक लवर होते हैं ना, उनको कोई गर्मी बरसात से कोई ठंड से कोई मतलब नहीं होता। और अभी ये जो किट वगैरह ये सब भी मतलब आप मतलब इसी के साथ ली थी साथ में? हाँ, टाइम हो गया। नहीं, साथ में ली थी, साथ में ली थी। मतलब कि मतलब अभी शूज वगैरह लिए थे, शूज वगैरह। हाँ, ये क्या मतलब वर्थ करते हैं? अगर जैसे कि मेरे को नहीं पता, मेरे को बिल्कुल बाइक की नॉलेज नहीं है, तो ये अराउंड आप समझ लीजिए 12 से स्टार्ट हो जाता है शूज, और हाँ 35-80 तक जाते हैं। और वो हेलमेट वगैरह है, और वो जो जैकेट वगैरह, जैकेट है वो भी 12,000 की है। हाँ, उससे ऊपर भी आती है। हाँ, काफी रेंज में है। बाकी हाँ, अपना हेलमेट जो है सेफ्टी के लिए। हाँ, सेफ्टी के पर्पस से है। बाकी अपना सो इसमें वो भी आती है जो आपने अंदर पहनाया था, नी गार्ड वगैरह। नी गार्ड पहना है ना? हाँ, ये एक्चुअली पैंट होते है इसी का, राइडिंग के साथ ही 10,000 की रुपी। अच्छा, ये पैंट इसी के साथ की है? हाँ, 10,000 का ही, अलग से ही। इसका ये नी गार्ड है, नी प्रोटेक्टर है, बाकी इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को ऐसा लग रहा था नॉर्मल जींस पहने हुए। नहीं नहीं, ये इसी के साथ है और 10,000 अराउंड इसकी बहुत। तो गर्मी में तो भाई बहुत परेशान हो जाता हूं। गर्मी में भाई राइडर होना ना बहुत मतलब मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। एक तो इतने लोग इरिटेटिंग तुम्हें मिल जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे 2 मिनट खड़े हुए तो कोई आ गया, भैया थ्रोटल करो थ्रोटल करो। और जबकि गाय भैंस वगैरह भी कई बार ऐसा होता है। यहीं पे मैं रिसेंटली यहाँ पे BMW की एक वीडियो बना रहा था, तो उसमें गाय आ गई एकदम से आगे गुस्से में, क्योंकि उसमें भी एग्जॉस्ट था। हाँ, वो एग्जॉस्ट की वजह से ना इरिटेटिंग हो जाती है। वो सोचता है कि इतनी देर से हमारे को कौन कर रहा है। वो कई बार मेरे पीछे भी पड़ गई थी गाय, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है अगर आप उसको ना देखे तो। अभी इसका जो अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है? आपने जब ली थी उस टाइम कितने की थी और अभी क्या? ये जो है BS4 है। हाँ, और अभी जो न्यूली लॉन्च हुई है BS6 है। BS6 की वजह से डिसकंटिन्यू हो गई थी 6R 2019 में। हाँ, बट जो अगर पावर की हम देखा जाए तो पावर में इसमें काफ़ी डिफरेंट कर दिया, 8 newtons का कम कर दिया है ना NM का। और इसका जो है BHP की बात करें तो 128 BHP है, और उसकी जो अभी न्यू है 6R 2024 वो अराउंड 122 BHP है। तो मतलब थोड़ा सा लेस कर दिया है एक्चुअली नॉर्म्स के हिसाब से, इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से काफ़ी चीज़ें कम की हैं। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, स्मूथ है, बट पावर के अकॉर्डिंग अगर दोनों को कंपेयरिंग करें तो ये वाली ज़्यादा मॉडल ज़्यादा तगड़ा है। हाँ, और ये स्टेज 2 है तो वैसे ही आप समझ सकते हो कितनी पावरफुल हो चुकी है। तो फुल्ली मॉडिफाइड है ये, और स्टेज 2 के साथ काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्म दे देती है। और है। जो न्यू और इसका कंपेयरिंग करें तो ये मुश्किल ही है इसको वो बीट कर सकते, टक्कर देना मतलब, समझ गया मैं। और अभी जो करंट प्राइस आपने जब ली थी कितने की थी? ये 11,000 मतलब 11 लाख पड़ी थी। 11 लाख। हाँ जी। और अभी जो अभी अभी करंटली प्राइस है वो 1285 अराउंड है, मतलब बढ़ गई है, अप्रिशिएट तो हुई है। हाँ, और पर ये वाला मॉडल की वैल्यू इन देखा जाए तो सेकंड हैंड होने के बावजूद भी ज्यादा रहेगी। हाँ, क्योंकि इसमें पावर ज्यादा है, 3 tuned है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो अभी एक बार मैं इसे ड्राइव करता हूँ, एक बार मैं पहली बार ही करूंगा, मतलब बाइक पहली बार नहीं करूंगा, बट ये थोड़ी केयरफुली करनी पड़ेगी ट्राई, क्योंकि बहुत हैवी बाइक है। और जैसे कि बोला आपने कि फर्स्ट गियर पे आई थिंक 120 तक पहुंचती है। हाँ, 120 तो वो एक बार ट्राई करते हैं। तो भाई फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, और मेरे को नहीं पता, मैं स्पोर्ट्स बाइक तो पहली बार चला रहा हूँ ऐसी कोई। फर्स्ट नीचे ही होगा, ठीक है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। क्या बोलूं, मतलब इतनी तगड़ी पावर है और ऊपर से इतना तगड़ा बैलेंस है ना, मतलब जो लोग बुलेट चलाते होंगे वो महसूस कर सकते होंगे। मैंने एक बार भी मेरे को पैर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना तगड़ा मतलब ग्रिप है बाइक के अंदर, बहुत तगड़ी, ऑसम, एक नंबर, मजा आ गया। वैसे इनबिल्ड ये 6R में लॉन्च कंट्रोल आता नहीं है, ठीक है। इसको हमें इसको इंगेज कैसे करते हैं पहले ये देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि आप जैसे स्टार्ट करिए बाइक, ठीक है, फिर आप फर्स्ट गियर पे डालोगे और आपने इस क्लच को पूरा पकड़ के पूरा फुल थ्रोटल दे देना, ये 4,000 RPM पे लॉक हो जाएगी। 4,000 पे लॉक हो जाए, उसके बाद फिर आपको रिलीज करना है थ्रोटल आराम से। और क्लच इसी की ड्रैग रेस में काम आता है, जैसे सपोज करो आपको कहीं ड्रैग करनी है, ठीक है, तो
आपको इनिशियली पंच मिलेगा उससे, ठीक है, तो उसे आप सीधे भागोगे। आप दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ये स्टार्ट किया, ठीक है, ये फर्स्ट गियर डाला मैंने, फर्स्ट गियर डाला ये, और ये क्लच को पूरा दबाया मैंने, और इसका ये लॉक हो गया। उसके बाद आप डायरेक्ट शूट सीधा ट्रैक, एडवांटेज मिलता है भगाने के लिए, शूट करने के लिए, मतलब शूट करने के लिए रॉकेट। जैसे आप अगर मोटो जीपी देखी होगी, उनमें लॉन्च कंट्रोल लगा होता है, उसमें भी होता है, तो इमीडिएटली आप पुश मिलता है जाने के लिए आपको। भाई अब लॉन्च कंट्रोल करके दिखा रहे हैं आपको, बाइक का बैलेंस बहुत प्यारा है यार, मैंने चला के देखी, बहुत ही प्यारी बाइक है, एक नंबर। अब तो देखो क्लच तुम्हारे सामने दिखेगी, रेस भी तुम्हारे आवाज से पता चल जाएगी। चलो अब एक बार कर दो, भाई बहुत तगड़ा है, मजा आ गया ना आपको तो मजा आया बिल्कुल बुरा ही नहीं कर सकते ना नहीं, नहीं, नहीं वैसे एक्चुअल में जो है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, काफी ज्यादा इंजॉयबल है बाइक, मजा आता है बिल्कुल। मतलब ये समझ लो अगर बंदे को बुखार भी आ रहा है ना, तो अगर बाइक झूली है ना उसमें तो बुखार उतर जाएगा उसका। आप कुछ बोलना चाहोगे? आप मौज बांधी बोल रहे हैं कि बाइक मेंटेन कैसे होती है आपकी बाइक है। भाई देखो, एक तो आपको हर राइड पे कम से कम 1000 रुपये का पेट्रोल लगेगा, ठीक है, तो इज नॉट इजी टू मेंटेन। कुछ टाइम बाद आपको आपके सस्पेंशन एडजस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, उसमें ऑयल लीक कुछ ऐसा वैसा आपको डेली आपको चेन क्लीनिंग वगैरह, ठीक है, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें लगती हैं। तो देखो हमारा बैलेंस देख लो कितना बचा हुआ है ये अभी 200 रुपये सुबह हमने ऑटो वाले को दिए जो वीडियो बनाए, और अब घर जाने के लिए 300 रुपये है, ठीक है, तो 7 रुपये रह जाएंगे, 300 रुपये लगेंगे घर जाएंगे, 200 में हो जाएगा, 107 फिर भी हम पॉजिटिव में रहेंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। तो भाई थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपको मजा आया होगा ये व्लॉग देखने में। भाई इतनी तगड़ी पावर है ना बाइक में, मज़ा आ गया, मतलब ड्राइव करके तो एकदम ऐसा करंट सा दौड़ गया पूरी बॉडी में कि भाई ये भी लेनी है अब, ऐसा सा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाइक से रिलेटेड भी हम लेके आएंगे कंटेंट, बाइक और कार का दोनों का। और बेसिकली अभी कुछ टाइम बाद हम रूबीकॉन का करेंगे वापस से, कि हम ऑफ रोडिंग फीचर्स क्या क्या मिलते हैं हमें रूबीकॉन में इन कंपैरिजन। अभी बहुत सारे लोग ना उसे थार रॉक्स के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, और उसकी भी कंपेरिजन वीडियो लेके आएंगे हम जल्दी से, कि उसमें क्या है और इसमें क्या है, मतलब 20 लाख रुपए की गाड़ी में और 72 लाख रुपए की गाड़ी में क्या फ़र्क आता है, 72-74 लाख रुपए की गाड़ी में, ठीक है। तो थैंक्स वॉचिंग दिस व्लॉग।